दिल्ली का इतिहास सदियों पुराना है। इतिहास के पन्नों में कितने ही साम्राज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं और वीर गाथाएं अंकित हैं। जिनके साक्षी रहे हैं अतीत के किले, स्मारक, मस्जिदें, मीनारें, समाधियां और छत्रियां, जो अपने अवशेषों में अपनी प्राचीन गरिमा को संजोए गर्व से सिर उठाए खड़े हैं। उनके खंडहरों से उनकी पुरानी यादों की गूंज सुनाई देती है। आवश्यकता है उन्हें समझने और जानने की, उनका आदर करने की। ये हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर हैं, ये मूक हैं, पर निष्प्राण नहीं। इनकी आत्मा की महक इनकी एक एक ईंट में समाई है। ये ऐतिहासिक इमारतें हमारी मदद करती हैं हमारे अतीत और हमारे इतिहास को जानने और समझने में। विश्व भर से पर्यटक दिल्ली के मनमोहक ऐतिहासिक स्मारकों को देखने आते हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक महत्वपूर्ण स्मारक हौज खास से परिचित कराएंगे। हौज खास के बारे में जानने के लिए आइए पहले हम इसके इतिहास में झांकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का शासक बना। अलाउद्दीन ने मंगोलों के हमले से बचने के लिए सन 1306 में शाहपुर गांव के निकट सीरी शहर बसाया था। इस शहर के खंडहर आज भी सुरक्षित हैं। जैसे थानेवाल, तोहफेवाला। आजकल सीरी के विशाल आंगन में प्रसिद्ध एशियाई खेल ग्राम बना है। अलाउद्दीन के बनवाए भवनों और इमारतों में उसके विचार और भावनाओं का परिचय मिलता है। हर शासक चाहता था कि उसका राज्य सुदृढ़ और खूबसूरत हो। इसका तरीका था भव्य इमारतों, बागों, बाजारों का निर्माण कराना। इन इमारतों में हिंदू मुस्लिम भवन निर्माण की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अलाउद्दीन भवन निर्माण कला का एक बड़ा प्रशंसक था। शहर के निवासियों को जल प्रबंध कराने के लिए उसने शहर के साथ एक बड़ा हौज भी बनवाया था। उस वक्त इसका नाम हौजे आलाई था, जो आज हौज खास कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी के हौज बनाने के आधी सदी के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसकी फुतुहाते फिरोज शाही में लिखा है कि उस समय हौजे अलाई मिट्टी से भरकर सूख चुका था। किसान उसमें खेतीबाड़ी करने लगे थे।
हौज की फिर से खुदाई कराई गई और उसे पानी से भरा गया। इस हौज के पानी से लोगों को साल भर पानी मिलता रहता। फिरोज शाह ने हौज के पास अनेक इमारतों और बड़े मदरसे का निर्माण भी करवाया। चौदहवीं सदी के आखिर में तैमूर लंग ने मोहम्मद तुगलक को हराकर अपने सेनापति मल्लू खान के साथ अपना पड़ाव हौज खास पर डाला था। इस बारे में इतिहासकारों का मानना है कि हौज़े अलाई तालाब है जिसे फिरोज शाह ने बनवाया था। ये इतना बड़ा था कि कमान से खींचकर मारा हुआ तीर एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता था। बरसात के मौसम में ये पानी से भर जाता था और लोगों की साल भर की पानी की जरूरतों को पूरा करता था। ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया था। उसने लिखा है कि हौज खास हौजे शमसी से बड़ा है। इसके किनारों पर 40 गुंबद हैं। युगों के परिवर्तन ने इसे फिर से मिट्टी से भर दिया था। फिर से यहां किसान खेती बाड़ी करने लगे थे। 1916 में फिर से इसकी खुदाई की गई। मिट्टी के नीचे से सुरमई पत्थर से बनी सीढ़ियां निकल आईं, जो बिल्कुल सही सलामत थीं। आज ये हौज जिस रूप में आपको नजर आ रहा है, इसका निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है। आज इसमें पानी के कई तालाब हैं, लेकिन यह हौज के मूल रूप से मेल नहीं खाता है। अब हम करीब से इसमें बनी इमारतों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फिरोज शाह के मकबरे की ओर चलते हैं। ये 2 फुट ऊंचे सुरमई चबूतरे पर बनी 44 फुट 6 इंच की एक बड़े गुंबद से ढकी चौकोर इमारत है। इसकी ऊंचाई 28 फुट 7 इंच है। ये मकबरा पत्थर की बड़ी बड़ी स्लैबों से बना है। मकबरे की कमानदार मेहराबों पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं और साथ ही नक्काशी भी की गई है। मकबरे में प्रवेश का द्वार दक्षिण दिशा में है। दक्षिणी दरवाजे के ऊपर सन 1507 के समय का एक शिलालेख है, जो बताता है कि उस समय सिकंदर लोधी ने मकबरे की मरम्मत का आदेश दिया था। मकबरे के अंदर 4 कब्रें हैं, जिनमें से 3 संगमरमर की हैं और 4थी खस्ता हालत में है। बीच की कब्र फिरोज शाह की बताई जाती हैं।
इसकी लंबाई 9 फुट 3 इंच है, चौड़ाई 5 फुट 8 इंच और ऊंचाई 2 फुट 4 इंच है। दो संगमरमर की कब्रें सर सैयद अहमद के अनुसार नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह की हैं, जो फिरोज शाह का बेटा और पोता थे। चौथी कब्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मकबरे के पास जिन दो मंजिला इमारतों का सिलसिला आप देख रहे हैं, इनका निर्माण एक मदरसे के रूप में फिरोज शाह ने 1352 और 1353 में करवाया था। ये मदरसा इस्लाम के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। इस मदरसे में कई शिक्षक थे। यहां सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित, खगोल शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। ये मदरसा अंग्रेजी के शब्द एल के आकार का है। इसमें कई कमरे हैं जिनमें जालीदार खिड़कियां हैं। इनसे गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आनंद लिया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम की ओर एक अलग इमारत बनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुख्य प्राचार्य सैयद यूसुफ का मकबरा है, जिनका देहांत 1388 में हुआ था। आज हौज़े अलाई और मदरसे का खंडहर बचा हुआ है। इसके पास फिरोज शाह तुगलक का मकबरा मौजूद है। मदरसे के आसपास कई और मकबरे हैं। इन मकबरों में कौन दफन है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मगर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मकबरे इस मदरसे के शिक्षकों के ही होंगे। मदरसे के ऊपर की मंजिल से नीचे के टैंक तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं, जो हौज की तरफ जाती हैं। मदरसे के उत्तर में एक मस्जिद है, जिसकी पश्चिमी दीवार पर मेहराबदार खिड़कियां बनी हुई हैं। मस्जिद का एक केंद्रीय दालान है। इसका प्रार्थना कक्ष 81 फुट 3 इंच लंबा है। इसकी चौड़ाई 12 फुट 7 इंच है। इसका दालान 43 फुट 4 इंच लंबा और 39 फुट 8 इंच चौड़ा है। मस्जिद में कार्यकर्ता और छात्र नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन आज सब वीरान है। कभी कभी किसी के पैर से उड़ी धूल हमें उन विद्यार्थियों की याद दिलाती है, जो कभी अपनी कक्षाओं में जाने के लिए सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ा करते थे। इतने वर्ष पहले भी हमारी शिक्षा पद्धति कितनी उन्नत थी, ये इस बात का प्रतीक है। यहां विद्यार्थियों को हर प्रकार का ज्ञान और पूरी सुविधा दी जाती थी।
जब हम ग्रीन पार्क मार्ग से हौज खास गांव की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कई शोरूम, छोटे बुटीक और लोकप्रिय रेस्टोरेंट हैं। इन शोरूम्स में प्राचीन आभूषण, वस्त्र, घरेलू सामान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हौज खास गांव के निकट हिरणों का पार्क है, जिसके अंदर लोधी काल का बाग आलम का गुंबद है। हौज खास परिसर में भले ही कुछ इमारतें जर्जर हालत में हैं, फिर भी उन्हें उस समय की धरोहर के रूप में संजोया गया है। दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारक अपनी पुरानी स्मृतियों को संजोए गर्व से सिर उठाए खड़े हैं।